नाउ लैब शुरू करते हैं इसका राउट फीडबैक का। R2 रूटर पर है ना, फिर R2 रूटर के जो पोर्ट्स हैं S4 और S1 है। INT S4 IP address 25.1.1.2.255.255.255.0 नोटेड। और R2 जो हमारा है वो आपके पास DCE भी है, क्लॉक रेट 64000। INT S1 IP एड्रेस, और यहाँ जो IP एड्रेस है दैट इज 23.1.1.2.255.255.255.0 नोशेट। दूसरा रूटर आपके पास R3 INT S0/0 IP एड्रेस 23.1.1.3.0.0.0.0 सॉरी मास्क 255.255.255.0 नोशेट। R3 का दूसरा इंटरफेस INT F0/1 IP एड्रेस 34.1.1.3.255.255.255.0 नोशेट। R4 रूटर INT F0/0/0/1 IP एड्रेस 34.1.1.4.255.255.255.0 नो शेट। दूसरा इंटरफेस 0/0 INT F0/0 और ये 45 IP एड्रेस 45.1.1.4.255.255.255.0 नो शेट। R5 INT F0/0 IP address 45.1.1.4.255.255.255.0 no shit। INT S0/0 IP address 25.15.255.255.255.0 no shit। पिंग 25.1.1.1.2, पिंग 45.1.1.5.4 R3 पिंग 23.1.1.2 IP addressing हमने कर दी है। यहाँ पर आपके पास R2, R5 और R3 के अंदर हमने OSPF implementation करना है। R4 के ऊपर लुकबैक भी एक मौजूद है 40.1.1.4 इंटरफेस लुकबैक 4 IP address 41.14.255.255.255.0। यहाँ पर R5 के ऊपर हमने इम्प्लीमेंटेशन करना है OSPF का config key router OSPF10 network 25.1.1.5.0.0.0.0 area 0। एक ही नेटवर्क है R5 के ऊपर, R2 के ऊपर दो नेटवर्क है। R2
exit router OSPF, then netbook 25.1.1.2.0.0.0.0 area 0 और दूसरा नेटवर्क जो कि 3 के ऊपर जा रहा है 23.1.1.2.0.0.0.0 area 0 R3 router config T router OSPF 23.1.1.3.0.0.0.0 router OSPF 10 network 23.1.3.0.0.0.0 area 0 और दूसरा जो आपके पास है R3 के ऊपर वो RIP का implementation है exit router RIP RIP no auto summary version 2 और network 34.1.1.3.1.1.0 R5 के ऊपर भी implementation आपके पास RIP का exit router RIP RIP no auto summary version 2 network 45.1.1.0 R4 पर आते हैं R4 के ऊपर only RIP का implementation है router RIP RIP no auto summary version 2 network 45.1.1.0 network 34.1.1.0 और network 41.1.0 R5 के ऊपर show IP route के अंदर show IP route RIP के अंदर एक route होना चाहिए 40 फोकस करना हमें 34 का नेटवर्क ये नीचे वाला नेटवर्क आ रहा है आपके पास और 40 का नेटवर्क भी पहुंच रहा है एक अपडाउन से ये वाली और R3 पर आते हैं तो R3 के ऊपर भी ये वाली इंफॉर्मेशन आ रही होंगी शो आईपी राउट और RIP 40 की इंफॉर्मेशन ये भी आपके पास पहुंच रही है ये वाली इंफॉर्मेशन एक अपकॉम से अगर हम किसी रूटर के ऊपर जैसे हमने कहा था कि भाई R5 पे जाकर डिस्ट्रीब्यूशन कर दीजिए इतना कमांड अगर हम डाल देते हैं R5 रूटर के ऊपर config T router OSPF 10 redistribute RIP subnet ऐसा करने से what will happen कि जो रूट थे आपके पास RIP के जो routes थे वो सारे OSPF में आ जाएंगे R2 की routing table के अंदर अगर हम देखेंगे तो show IP route OSPF के अंदर हमारे पास 40 का network चला गया होगा तो 40 का network पे focus करना है बाकी भी जा रहे हैं 40 का network अगर हम देखते हैं तो ये 25.1.1.5 से आ रहा है ये 45 का network भी आ रहा है और नीचे वाला network ही पहुंच रहा है 34 वाला इन तीन networks हो गए एक network ये दूसरा ये तीसरा ये सारे कहां से पहुंच रहे हैं इसके पास पहुंच रहे हैं R2 का जो नेबर है वो आपके पास show IP OSPF नेबर R3 भी है ये वाला नेबर इसका नेबर है ये राउट यहां से R3 के पास पहुंच जाएंगे R3 में अगर हम ये कमांड चलाते हैं जो कि हमने भी चलाया था show IP route RIP अब हमारे पास show IP route RIP से कोई भी राउट नहीं होना चाहिए बिकॉज़ राउट इज कमिंग ऑन द R3 सेम नेटवर्क तो आ रही है बट वो RIP से नहीं आ रही यहां से नहीं आ रही है अब कहां से आ रही है बैक से आ रही है यानी अगर हम OSPF कमांड चलाते हैं तो ये नेटवर्क OSPF में पड़ी हुई है 23.1.1.2 से ऐसी हो रही है और ये जो आपको डिस्प्ले हो रहा है दैट इज द राउट फीडबैक सॉल्यूशन इसको करने का कि अगर हम R3 पे जो नेटवर्क्स आ रही थी उसकी ADs को कम करते हैं यानी R3 और R5 पे जाके हम ये कमांड डाल दें क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे रिवर्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा नीचे वाले पर तो फिर ऊपर ये दिक्कत पैदा होनी शुरू हो जाएगी तो config T पे जाएंगे R3 के ऊपर और यहां पे राउटर RIP RIP के अंदर और डिस्टेंस कमांड हम चलाएंगे डिस्टेंस लेट्स हमने कहा 100 यहां भी डाल दें और R5 के अंदर भी जाके आपके पास एग्जिट राउटर RIP के अंदर डिस्टेंस कमांड डाल दें डिस्टेंस 100
ऐसे करने से व्हाट विल हैपन, R3 पे अब शो आईपी राउट OSPF से हट गया होगा, कौन सा राउट 40 का राउट हट गया होगा, अगर हम OSPF देखेंगे वो राउट OSPF में डिस्प्ले नहीं होगा, अब ये राउट RIP के अंदर डिस्प्ले हो रहा होगा, ठीक क्लियर हो गया। तो ये था आपके पास राउट फीडबैक का कॉन्सेप्ट।